हेलो गाइस, आई एम विशाल। वेलकम टू बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। गाइस, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विंड मिल। सो गाइस, जो विंड मिल है, इससे हम कैसे एनर्जी कन्वर्ट करते हैं, वो हमें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो गाइस, जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे इस वीडियो में, वो है व्हाट इज़ विंड एनर्जी, कॉज ऑफ विंड एनर्जी, कंस्ट्रक्शन ऑफ विंड मिल, वर्किंग ऑफ विंड मिल, और गाइस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ विंड मिल। सो गाइस, जो हमारी विंड एनर्जी है वो कैसे कन्वर्ट की जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ये जो वीडियो है कंप्लीट डिटेल हम व्यू दूंगा मैं इसको इस वीडियो में आपको। सो गाइस, आइए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट इज़ विंड एनर्जी। सो गाइस, व्हाट इज़ विंड एनर्जी? ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इज नोन एज द विंड एनर्जी। सो गाइस, ट्रेडिशनली क्या होता था, जो हमारी विंड होती थी उसे हम डायरेक्टली कन्वर्ट करते थे मैकेनिकल वर्क के लिए अपने पुराने टाइम में। सो गाइस, फॉर एग्जांपल, ये आपका जो हैंडपम्प है, अब हैंडपम्प में क्या होता है कि जब आप इसको पुल डाउन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से जो है उसका जो वाटर है उसका प्रेशर की वजह से वो ऊपर को आएगा, और जिसकी वजह से जो वाटर है वो हमें मिलेगा। बट गाइस, जो हमारा ट्रेडिशनल टाइम पे क्या होता था, जो हमारी विंड एनर्जी थी वो विंड मिल के थ्रू कन्वर्ट की जाती थी हमारे मैकेनिकल वर्क में। अब क्या होता था, यहाँ पर हम एक विंड मिल लगाते थे। ये गाइस, ये कंसिडर करिए, इसके ब्लेड्स हैं, ये तीन ब्लेड्स हैं, ये आपने विंड मिल लगाई, और जो इसका मैकेनिकल होता था उसको हम कनेक्ट कर देते थे इस हैंडपम्प से। अब जैसे ही आपकी जो रोटेट करती थी विंड मिल, जब आपकी विंड की वजह से जो इसके ब्लेड्स रोटेट करते थे, इसके रोटेशन की वजह से आपको जो शाफ्ट है वो रोटेट होती थी, जिसकी वजह से जो आपका हैंड पंप है वो मूव करता था। तो ट्रेडिशनली जो हमारी विंड एनर्जी है वो पहले से हम यूज़ कर रहे हैं उसको अब, लेकिन जो आज के टाइम पे हम क्या कर रहे हैं कि जो विंड एनर्जी है उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो गाइस, अभी हम उसको भी डिस्कस करेंगे विंड मिल को। तो ये जो हमारी विंड एनर्जी है क्या है, विंड एनर्जी इज अ ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ट्रेडिशनली विंड एनर्जी वॉज हार्नेस्ड बाय द विंड मिल टू डू मैकेनिकल वर्क। और जो हमारी विंड एनर्जी होती है ये एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। सो गाइस, ये जो पॉइंट है मैंने यहाँ पर लिखा है। सो गाइस, ये जो हमारी एनर्जी है ये तो हैंडपंप में तो यूज़ करी गई, वही अदर सोर्स के लिए भी हम यूज़ करते थे इसको, फॉर एग्जांपल अपने ग्राइंडिंग फॉर ग्रेन। सो गाइस, जो हमारे जो फ्लावर होता है उसको हम कन्वर्ट करते थे वीट्स को फ्लावर में, तो वो भी हम विंड मिल के थ्रू ही करते थे ट्रेडिशनल टाइम पे। सो गाइस, अब क्या है कि कॉज ऑफ विंड एनर्जी, सेकंड पॉइंट हमारा कॉज ऑफ विंड एनर्जी। तो जो कॉज है इसका क्या है कि फास्ट व्हाट इज विंड, तो फास्ट मूविंग एयर इज नोन एज विंड। तो विंड क्या होती है गाइस, जो हमारी फास्ट मूविंग एयर होती है वही विंड होती है। विंड पॉसिस द काइनेटिक एनर्जी विच डिपेंड अपॉन द स्पीड ऑफ विंड। अब कितनी काइनेट, अब जो विंड एनर्जी उसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है क्योंकि वो मूव कर रही है। अब जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी उसके पास काइनेटिक एनर्जी वो डिपेंड करती है उसकी स्पीड पर। सेकंड गाइस, की कॉज ऑफ विंड की अगर मैं डिस्कस करूँ तो कॉज ऑफ विंड जो होता है ये होता है गाइस, जो आपका कॉज है सोलर एनर्जी इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लोइंग ऑफ विंड। सो गाइस, जो सोलर है उसकी वजह से ही जो हमारी विंड है एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पे तक जा रही है, मीन जो हमारा ब्लो हो रहा है हमारी जो विंड एनर्जी का वो ड्यू टू सोलर एनर्जी हो रहा है। सोलर क्या करता है गाइस, जो हमारी विंड का फ्लो है वो अनइक्वल हीटिंग ऑफ जो आपके लैंडमास होते हैं या जो वाटर बॉडीज होती हैं उसके बीच में जो अनइक्वल हीटिंग होती है, इसकी वजह से क्या होता है आपका लो प्रेशर और हाई प्रेशर एरिया क्रिएट होते हैं, जिसकी वजह से जो मूवमेंट है विंड की वो होती है। सो गाइस, अब हम देखते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन ऑफ विंड मिल और फिर डिस्कस करेंगे इसकी वर्किंग। सो गाइस, कंस्ट्रक्शन के लिए हम उसी फिगर पर दोबारा आ गए हैं। तो कंस्ट्रक्शन में क्या है कि गाइस, इसका में क्या है कि इसके पास ब्लेड्स हैं, ब्लेड्स के पास एक शाफ्ट है, इस शाफ्ट को मैंने एक बॉक्स के थ्रू कनेक्ट करा है जिसके अंदर हमारे तीन चीज़ें हैं। एक है हमारा गियर बॉक्स, एक है हमारी ब्रेक, और गाइस एक है हमारे पास जनरेटर। ये कुछ सिंपल कंस्ट्रक्शन है गाइस, जिसकी हमारी जो विंड मिल होती है काफ़ी सिंपल कंस्ट्रक्शन होती है। एक बॉक्स यूज़ करते हैं जिसके अंदर हमारा गियर बॉक्स होता है, ब्रेक होती है, जनरेटर होता है। जनरेटर को हम कनेक्ट करते हैं शाफ्ट के थ्रू उसके ब्लेड से, और एक जो हमारा है यहाँ पर टावर होता है जो जिसकी हाइट जो होती है काफ़ी लॉन्ग होता है ये। सो ये थी इसकी कंस्ट्रक्शन। अब इसकी अगर वर्किंग की बात करें तो वर्किंग भी इसकी कंस्ट्रक्शन की तरह काफ़ी सिंपल है। अब क्या होता है गाइस, जब आपकी विंड आती है, विंड की वजह से क्या होता है ब्लेड को रोटेशन मिलती है, ब्लेड रोटेट करेंगे तो ये जो शाफ्ट है ये रोटेट करेगी। अब जो शाफ्ट है वो आपका गियर बॉक्स के साथ कनेक्ट है। गियर बॉक्स क्या करता है, गियर बॉक्स जो है कनेक्ट करता है शाफ्ट को जनरेटर के साथ। जनरेटर गियर बॉक्स के बीच में एक ब्रेक होती है। अब गाइस, ब्रेक क्या करती है, जैसे ही अगर आप एक्सट्रीम लेवल पे अगर आपकी जो विंड है वो फ्लो होने ब्लो हो रही है, अगर वो ज़्यादा तेज़ आ रही है आपकी विंड, तो गाइस क्या होगा कि जो इसके जनरेटर जो जनरेट करेगा इलेक्ट्रिसिटी वो ज़्यादा अमाउंट में करेगा, तो जनरेट की भी एक लिमिट होगी, उसकी कैपेसिटी होगी, उसकी रेटिंग होगी जनरेटर की, तो उससे अगर ज़्यादा एक्सीड करेगी तो हम ब्रेक लगा देंगे। मीन्स जो आपका ये है और जनरेटर जो है आपस में फ्री हो जाएंगे। गियर बॉक्स क्या करता है आपकी शाफ्ट को जनरेटर से ब्रेक कर देगा, जिसकी वजह से जो है जनरेटर वो स्टॉप हो जाएगा। ओके, सेकंड कंडीशन भी अराइज होती है कि जो आपका लोड है वो अगर ज़्यादा हो रहा है और जो जनरेशन है वो कम हो रही है, उस कंडीशन में भी जनरेटर पर आपके इफेक्ट आ सकता है, तो उस कंडीशन में ब्रेक क्या करेगी आपके शाफ्ट से जनरेटर को रिमूव कर देगी। तो ये थे इन तीनों के कॉन्सेप्ट। जनरेटर क्या करता है, जनरेटर अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, व्हेन एवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंज ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। सो गाइस, जनरेटर के पास एक कॉइल होगी जो कि ये रोटेट करेगी तो कॉइल भी रोटेट करेगी, और उसके पास मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन्स होंगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि जब भी कोई कॉइल, ये कोई मैग्नेट फील्ड्स है, ये कॉइल है,
सो भाई जब भी कोई कॉइल मैग्नेटिक फील्ड्स के अंदर रोटेट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी नॉर्थ टू साउथ, ये रोटेट करेगी तो इसके टर्मिनल पर हमें एक ईएमएफ मिलेगा। अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, व्हेन एवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंज एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, सो इस क्या होगा, इस टर्मिनल पर हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। अब गाइस क्या होता है कि हम सिंगल एक विंडमिल के थ्रू जो है कमर्शियल पर्पज़ के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो नहीं कर सकते, तो इसके काफ़ी सारे प्लांट लगाए जाते हैं, काफ़ी सारी जो हमारी विंडमिल्स हैं वो आपस में लगाई जाती हैं, कनेक्ट करी जाती हैं, जिसकी वजह से जो जनरेशन अमाउंट है वो बढ़ जाता है। सो गाइस ये था आपका वर्किंग ऑफ विंडमिल का कॉन्सेप्ट। अब अगर हम डिस्कस करते हैं इसके एडवांटेजेस, फिर डिस्कस करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस ऑफ विंडमिल, सो गाइस फ्रीली अवेलेबल इन नेचर, तो जो हमारी विंड है फ्रीली अवेलेबल है, तो इस पर कोई भी हमारे दूसरे सोर्स के ऊपर डिपेंड होने की कोई जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी में क्या है कि गाइस न्यूक्लियर पर हमें डिपेंड होना है जब भी जनरेशन होगा, बट विंड जो है वो तो लो होती रहती है, जिसकी वजह से जो हमें इसकी जनरेशन है वो कंटिन्यूस मिलता है। सेकंड पॉइंट है गाइस एनवायरनमेंट फ्रेंडली, नॉट प्रोड्यूस पॉल्यूशन, सो गाइस इसकी वजह से कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता है, इसकी वजह से कोई भी जो हार्मफुल गैसेज होती हैं वो रिलीज नहीं होती हैं। थर्ड पॉइंट, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है गाइस, ये विंड एनर्जी इज़ एन एफिशिएंट सोर्स ऑफ एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी इज सिंपल। सो गाइस जो विंड एनर्जी जनरेट की जाती है एनर्जी काफ़ी एफिशिएंट रहती है, और क्या है कि जो इसकी टेक्नोलॉजी है वो भी काफ़ी सिंपल है, क्या है कंपेयर करो उसको न्यूक्लियर एनर्जी से, तो न्यूक्लियर एनर्जी में न्यूक्लियर रिएक्टर चाहिए, कंट्रोल रॉड चाहिए, सो गाइस जिसका जो कंस्ट्रक्शन होता है काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बट जो हमारे विंडमिल है उसमें बस हमारे ब्लेड चाहिए, एक शाफ्ट चाहिए, एक जनरेटर चाहिए, जिससे कि हमारी जनरेशन हो जाती है। तो ये कुछ इसके एडवांटेजेस थे। अब इसके डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशंस को हम इसको डिस्कस करते हैं। लिमिटेशंस ऑफ विंड एनर्जी, विंड एनर्जी फार्म कैन एस्टेब्लिश ओनली एट दोस प्लेसेस वेयर विंड ब्लोज विद द स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर। सो गाइस ये कंडीशन है कि जब भी हम इसका प्लांट को वहाँ पर एस्टेब्लिश कर सकते हैं जब जो आपके विंड की जो स्पीड होगी 15 किलोमीटर पर आर होगी। लार्ज एरिया इज अबाउट 2 हेक्टर्स, तो गाइस रिक्वायरमेंट जो एरिया की है वो भी काफ़ी लार्ज है, क्योंकि एक विंड सिंगल विंड मिल्स से जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट नहीं होती, तो लार्ज अमाउंट में जो हमारी विंड मिल्स हैं उसे हमें लगाना होता है, तो उसके लिए जो है लार्ज एरिया चाहिए। नीड सम बैकअप फैसिलिटीज़ लाइक बैटरीज, सो गाइस क्या होता है कि जब जो हमारी जनरेशन होगा विंड मिल के थ्रू, वो जब जब उसका ब्लेड रोटेट करेगा उस टाइम पर जो हमारा जनरेटर जनरेट करेगा, अब जो हमारी जनरेशन हो रहा है उसको स्टोर करने के लिए भी कुछ ना कुछ हमें फैसिलिटीज़ चाहिए, तो जो फैसिलिटीज़ लाइक बैटरीज़ को हमें स्टोरेज के लिए हमें यूज़ करना होता है, तो उसके लिए भी जो है आपकी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है, और ये इसकी जो लाइफ होती है बैटरीज़ की भी कुछ एक सर्टेन लाइफ होती है, तो उसके बाद इसको चेंज करना होता है, तो ये इसके लिमिटेशंस हैं। गाइज ये था हमारा विंडमिल का कॉन्सेप्ट। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप किसी और टॉपिक पर भी वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करें। थैंक यू।